हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 82 विषय विज्ञान कक्षा 10 हमारी डेट 4 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट में। हम आपका जो पाठ है विद्युत उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको दोहराएंगे, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव के बारे में। देखो ये एक तो धनात्मक आवेश होता है, एक ऋणात्मक आवेश होता है। तो धनात्मक आवेशित वस्तु के लिए क्या होता है, विद्युत विभव धनात्मक ही होगा और ऋणात्मक आवेशित वस्तु के लिए ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। अगर हम बात करें विद्युत विभव की परिभाषा की, तो इसकी परिभाषा क्या होगी, विद्युत विभव किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में एक इकाई आवेश को अनंत से एक विशिष्ट बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य की बात है। मतलब विद्युत विभव क्या है, कोई भी दो बिंदु हैं आपकी, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु तक आपको क्या करना है, आवेश को लेकर जाना है। तो जो आप वो कार्य करोगे, ठीक है ना, इस उस क्षेत्र में, मान लो ये क्षेत्र है, इसमें इकाई आवेश को अनंत से विशिष्ट बिंदु तक ले जाने के लिए जो कार्य आप करोगे वो क्या होगा, आपका विद्युत विभव होगा, ठीक है। तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट किसके बराबर होता है, आपका वोल्ट क्या होगा, जो वोल्ट है वो क्या होगा, W बाई क्यू वर्क है, और ये क्या है, चार्ज है। इस चार्ज को, इस आवेश को ले जाने के लिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु जो कार्य किया गया है, ठीक है, वो क्या है, ये वोल्ट है। तो वोल्ट इज इक्वल टू वर्क की जो कार्य की जो इकाई है वो क्या है, जूल है, और जो आवेश की जो इकाई है वो क्या है, कूलम है, ठीक है। तो जूल प्रति कूलम होगा, वोल्ट को हम लिख सकते हैं ऐसे, राइट। अब देखो जो वोल्ट मीटर है, मापन का यंत्र, विद्युत विभव को अगर आपको मापना है, जैसे हमने पढ़ा था जो करंट है उसको मापने का यंत्र क्या था, एमीटर था, इसी तरीके से विद्युत विभव को मापने का यंत्र क्या है, वोल्ट मीटर है, ठीक है। वोल्ट मीटर है, ये क्या होता है, परिपथ में हम इसको संयोजन के में इसको क्या करते हैं, जो हमारा सर्किट है ना, इलेक्ट्रिक सर्किट है, परिपथ में हम इसको जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं, जिन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापना हो उनके मध्य समानांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, ठीक है ना। दो बिंदु जिसके बीच में मापना उसके बीच में ये समानांतर, मतलब पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल में ये जोड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इसका सूत्र, जो ये विद्युत विभव है इसका सूत्र क्या होगा, W जो मैंने अभी आपको बताया था, W बाई क्यू, ठीक है, जैसे इसमें जूल बाई कूलम होता है। तो विभवांतर क्या होता है, अब विभवांतर या वोल्टेज क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक विद्युत परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा है, ठीक है। कोई भी दो बिंदु हैं, उस दो बिंदु के बीच में जो विभवांतर है वो क्या है, एक विद्युत परिपथ में आपको कोई भी एक सर्किट दे रखा है, ठीक है ना, उसके अंदर इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे में ले जाने के लिए क्या गया कार्य क्या है, विभवांतर है, ठीक है। इसी की फॉर्म है एक तरीके से, क्लियर। नाउ मूविंग टू आर क्वेश्चंस। तो आज की वर्कशीट में आपको ये चार प्रश्न दिए गए हैं, फटाफट से इनके सॉल्यूशंस कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न है आपका, विभवांतर क्या है, परिभाषा सहित इसकी इकाई बताइए। तो परिभाषा के साथ साथ इसकी इकाई भी आपको बतानी है। पहले परिभाषा, विभवांतर क्या है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एक विद्युत परिपथ में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा है। वो मात्रा, वो देखो विभव जो आपकी बात हो रही थी विद्युत विभव की, उसमें तो क्या था कि कितना कार्य किया जा रहा था, है ना, जो वो हो रहा है, कार्य हो रहा है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को पहुंचाने में, ठीक है, उसकी मात्रा को हम बोलते हैं विभवांतर, ठीक है ना, कितना हुआ इसको, इसकी इकाई क्या है, इसकी इकाई वोल्ट की, क्लियर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। दूसरा प्रश्न क्या है, खुले और बंद परिपथ में क्या अंतर है, दोनों की आरेख खींचिए। देखो आपको क्या करना है, दोनों के डायग्राम भी बनाने हैं और उनके बीच में अंतर भी बताना है। तो ये है आपका खुला परिपथ, ये क्या है, बंद परिपथ। इसमें देखो यहाँ पे ये बिंदी है, देखो इसमें यहाँ पे ये बिंदु नहीं है, ठीक है। तो इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है अंतर क्या है, खुला परिपथ में क्या होगा, वह परिपथ जो कहीं से टूटा हुआ है खुला परिपथ कहलाता है, और बंद परिपथ जो परिपथ जो किसी भी जगह से टूटा हुआ नहीं है वो बंद परिपथ कहलाता है, ठीक है। दूसरा, खुले परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, टूटा हुआ बीच में से विद्युत नहीं होगा प्रवाह, लेकिन बंद परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। तीसरा, यह एक अपूर्ण परिपथ है, ठीक है, अधूरा है, ये एक पूर्ण परिपथ है, ये पूरा है, क्लियर। तो ये इनके बीच में अंतर था, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना, एक मिनट, ये है आपका प्रश्न नंबर 2। पहले ऊपर आपने क्या किया है, डायग्राम बनाया, और नीचे आपने डिफरेंस लिखा है, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आपको दिया हुआ है, एक वोल्ट को परिभाषित कीजिए, एक वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ये बताना है आपको। सबसे पहले परिभाषा, किसी वोल्ट क्षेत्र में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, एक वोल्ट होगा,
ये परिभाषा होगी। लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि एक कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में एक जूल का कार्य किया जाता है, ठीक है ना। ये क्या है, परिभाषा है किसकी, एक वोल्ट की। अब बात हो रही है उसको कैसे परिपथ में जोड़ते हैं, तो उसको समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, पैरेलल जोड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 3। आगे है लास्ट क्वेश्चन आपकी वर्कशीट का, प्रश्न नंबर 4। अगर आपको 3 कूलम आवेश को 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा, ये बताना है आपको, ठीक है। तो V जो है वो किसके बराबर होता है, W बाई क्यू के बराबर होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्यों ऊपर चला जाएगा तो V गुना में क्यों हो जाएगा, तो W किसके बराबर हो गया, V गुना में क्यों हो जाएगा W, है ना। तो W किसके बराबर हो गया, V इंटू क्यू हो गया। V आपको दे रखा है 6 वोल्ट, क्यों आपको दे रखा है 3, 6 क्या होता है 18, तो 18 जूल कार्य किया जाएगा 3 कूलम आवेश को 6 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में, ठीक है। ये हो गया प्रश्न नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, टेक केयर, बाय।